पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जॉइंट कमिश्नर जीएसटी मिस्टर सचान से मिला और जीएसटी रिफंड में आ रही परेशानियों को जॉइंट कमिश्नर के सामने रखा। एसोसिएशन के सचिव अवधेश अग्रवाल के नेतृत्व में मिला प्रतिनिधिमंडल करीब डेढ़ घंटा जॉइंट कमिश्नर से रूबरू हुआ और परेशानियों का हल निकालने की बात कही। कुछ समस्याओं के साथ रिफंड के संबंध में था, कुछ एप्लीकेशंस रिफंड्स की हैं जिनमें त्वरित रिफंड की कार्रवाई कराई जानी है। रिफंड्स के संबंध में जो जो प्रार्थना पत्र इन लोग प्राप्त हुए हैं, जो भी प्राप्त देंगे लोग आज कल में या जो भी कार्यालय उपलब्ध उनके त्वरित निस्तारण के लिए हम तत्काल प्रयास करें जल्द से जल्द। और सामान्यतः किसी कोई परेशानी नहीं है, जीएसटी अपना पूर्ण रूप से सेटल हो चुका है इस समय और निर्यातकों को कोई परेशानी नहीं है। जो मुख्य समस्या है कि जो रिफंड से संबंधित जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर किया जा रहा है और सामान्यतः रिफंड दिया भी जा रहा है। निर्यातकों ने कहा कि निर्यात सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, रॉ मटेरियल प्राइस और अन्य परेशानियां भी साथ साथ चल रही हैं। जीएसटी रिफंड समय से न मिलने के कारण निर्यातकों की आर्थिक स्थिति दयनीय है और वो अपनी जमा पूंजी बैंक लोन और जीएसटी जमा करके पहले ही गंवा चुके हैं। इसीलिए जीएसटी रिफंड करने के लिए जॉइंट कमिश्नर से मांग की है। तो वहीं निर्यातकों ने कहा कि एसोसिएशन की सर्वोच्च प्राथमिकता जीएसटी रिफंड और उससे संबंधित परेशानियां हैं। इस विषय में जो बिंदु हमने उठाए हैं उनके उत्तर के बाद ही हमारा अगला निर्णय सामने आएगा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अवधेश अग्रवाल सचिव द्वारा और उनके साथ अध्यक्ष नवेदुर रहमान, रवि अरोड़ा, विनय अरोड़ा, विनय मंगला, नजमुल इस्लाम, हाजी इफ्तखार अली, डॉक्टर हामिद, शरद बंसल, हेमंत जुनेदा, नवील अहमद, हसनैन अख्तर, रचित अग्रवाल, नदीम खान और अन्य निर्यातकों द्वारा किया गया। पॉजिटिव ये रहा जो डीसी सचान साहब को हमने प्रॉब्लम्स बताई जीएसटी के रिफंड के बारे में और आज से उन्होंने नाम दिया है कि जीएसटी रिफंड ऑपरेशन रिफंड। तो अब जो भी हमारा अप्रैल तक का रिफंड है जो दाखिल हो चुका है वो 25 मई तक अवश्य जो है वो करा के देंगे एटलीस्ट, ऐसा उन्हें विश्वास है। और भी सारे अफसरों के साथ मिलकर और ये कार्रवाई बहुत तेज़ी के साथ होगी और पूर्ण उन्होंने हमें भरोसा दिया है और पूर्ण हमारी एसोसिएशन को नई कार्यकारिणी को समर्थन देने का वादा किया है कि हम सब काम समय से करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।